हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग दुबेला म्यूजियम जा रहे हैं, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे बुंदेलखंड के महाराज राजा छत्रसाल जी का महल। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन अब कुछ ही दूरी पर रह गई थी, तो बनी रहिए मेरे साथ मेरी आज की इस जर्नी पर। अनिकर यूवी पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे राजा का महल देखने के लिए। सो फाइनली वी आर हेयर। हम लोगों को म्यूजियम तक पहुंचने में 30 मिनट का टाइम लगा एंड हमारे दोनों बाइकर्स की हालत ख़राब हो गई थी बाइक चलाते चलाते, तो इन लोगों ने 15 मिनट का टी ब्रेक लिया। तो ये रहा हमारे बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल का महल। अब इस महल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये महल के अंदर का गार्डन है एंड यहाँ से हम लोग महल के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये महल की एंट्रेंस है। ये म्यूजियम का फर्स्ट रूम है जिसमें हम लोग एंटर करने वाले हैं। ये शिवा गैलरी है। यहाँ पर 64 योगिनियों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बट मुगल कालीन टाइम पर इन मूर्तियों को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, जिस कारण से अब ये अच्छी सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पर सारे ही स्कल्पचर काफ़ी पुराने हैं। कोई 12th सेंचुरी का है, तो कोई 13th सेंचुरी का है। ये भैरव की मूर्ति है जो कि 11वीं शताब्दी की है। ये चक्रेश्वरी की, वो एक योगिनी में से 64 योगिनी में से एक है। ये मूर्ति भगवान शंकर और पार्वती जी की है। यहाँ पर हमारी नागरी लिपि का विकास किस सन में किस तरीके से हुआ ये दिखाया जा रहा है, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। अब हम लोग दूसरे रूम में वैष्णव गैलरी में जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी खुदाई में सामान मिला है पुराना, वो सारा रखा हुआ है। ये भगवान विष्णु की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है और यहाँ पर ये काफ़ी पुरानी खुदाई में निकली हुई चूड़ियाँ, बोन्स और काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। अब हम लोग थर्ड रूम पेंटिंग गैलरी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर सारी ही पुरानी जितने भी महाराज हुए हैं उन सभी की पेंटिंग्स रखी हुई थी। काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी।
और ये रही हमारे महाराजा छत्रसाल की पेंटिंग। और ये रहा इस म्यूज़ियम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसके लिए बच्चे यहाँ आए थे। ये यहाँ पर इस रूम में बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं जिसमें हम सब लोग अलग अलग तरीके से दिखते हैं। किसी में हम छोटे दिखते हैं, किसी में हम बहुत लंबे दिखते हैं, किसी में हम राइट जाते हैं तो लेफ्ट जाते हुए दिखते हैं। बहुत ही बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत फन किया सभी बच्चों ने। ये रही मैं। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, बच्चे जिसमें ज़्यादा ही खुश थे। ये देखिए इसमें कितने बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं हम लोगों के। अनीक और यूवी तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ देखिए इस मिरर में हम लोग एकदम हाइट में छोटे और मोटे मोटे से हो गए थे। तो ये वही मिरर है जिसमें हम राइट जाते हैं तो लेफ्ट जाते दिखते हैं और लेफ्ट जाते हैं तो राइट जाते हुए दिखते हैं। तो अनिका इसमें ये देख रही थी कि क्या हो रहा है, मैं जा इधर रही हूँ, देख वहां रही हूँ। अब हम लोग आ गए थे अस्त्र शस्त्र वाले रूम में जहाँ पर ये पुराने पुराने ढाल, तलवारें, बंदूकें, भाले, काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी। और ये इतने बड़े बड़े थे कि हम लोग देखकर हैरान थे कि कोई कितना लंबा रहा होगा, उस समय के लोग कितने लंबे रहे होंगे कि वो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें उठा लेते थे अकेले ही। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाजीराव ने जो महाराजा छत्रसाल के लिए मॉन्यूमेंट बनवाया था वह, और मस्तानी महल का महल भी दिखाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।